Hi guys, this is Neetu and welcome back to my channel Neetu Bansal Official. I hope that you all are doing great guys. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ this chocolate flavored peanut butter and one more is there. This is the natural peanut butter. ये दोनों ही है my fitness brand से and my fitness is an Indian brand which is owned by Mr. Sahil Khan and Mr. Sahil Khan needs no introduction and he is a very famous youth personality in India. He is a youth icon in India. And guys, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं इस peanut butter को किस तरह से use करती हूँ, then please continue watching. And मैंने ये दो peanut butter लिए हैं, in the chocolate flavored and in the natural peanut butter flavored. And इसमें जो आते हैं, इसमें smooth और crunchy दो flavors आते हैं. मेरे पास ये दोनों smooth में ही हैं. एंड गाइज जो चॉकलेट वाला है ना वो बिल्कुल चॉकलेट वाली फीलिंग देता है. आपको जब भी चॉकलेट की क्रेविंग हो आप इसको जस्ट थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा ले सकते हैं और आपको चॉकलेट वाली फील आ जाती है. बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी है. एंड गाइज एट द सेम टाइम ये भी बहुत ही टेस्टी है. और ये है हमारा ऑर्डिनरी पीनट बटर एंड ये दोनों के दोनों ही स्मूथ में है. ये क्रंची में नहीं है क्योंकि मुझे स्मूथ ज़्यादा अच्छा लगता है, वो स्मूथ ईजिली स्प्रेड हो जाता है. सबका अपना अपना टेस्ट होता है. अगर आपको क्रंची पसंद है तो आप क्रंची वाला भी ले सकते हैं. एंड गाइज इस ब्रांड की एक स्पेशलिटी है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम चॉकलेट वाला फ्लेवर लॉन्च किया है. तो जिनके भी घर में बच्चे हैं या जिनको चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो तो इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है गाइज. नेचुरल पीनट बटर, स्मूथ, नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल, नो एडिड शुगर, नो सॉल्ट. चॉकलेट पीनट बटर स्मूथ, इट कंटेन्स ब्राउन शुगर, डार्क चॉकलेट एंड पिंक हिमालयन सॉल्ट. तो पिंक हिमालयन सॉल्ट भी आपकी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है. नॉर्मल सॉल्ट की बजाय आपके पास पिंक हिमालयन सॉल्ट है इन द चॉकलेट फ्लेवर और इस नेचुरल फ्लेवर में आपके पास कोई भी एडिड सॉल्ट नहीं है. देयर इज अ मिथ इन आवर सोसाइटी कि आप पीनट बटर को सिर्फ वेट गेन के लिए कंज्यूम कर सकते हो, इसको आप वेट लॉस के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते हो. बट गाइज दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर आपको वेट लॉस के लिए कंज्यूम करना है तो इसका मैथड कम्प्लीटली डिफरेंट है. और अगर आपको वेट गेन के लिए करना है तो आप इसको कभी भी दिन में कर सकते हो. मीन्स अगर आपको वेट लॉस के लिए करना है तो आपको एक्सरसाइज से पहले मीन्स हाफ एन आवर बिफोर एक्सरसाइज आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं. जस्ट आपको 1 teaspoon ऑफ दिस पीनट बटर आपको स्प्रेड करना है किसी भी ब्रेड के स्लाइस के ऊपर और आप इसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर द एक्सरसाइज हाफ एन आवर बिफोर द एक्सरसाइज आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं फॉर द वेट लॉस गाइस. और अगर आपको वेट गेन के लिए इसको यूज करना है तो आप इसको एक्सरसाइज के बाद लें ताकि आपको मसल बिल्डिंग में ये हेल्प करे, मसल मास बनाने में ये आपको हेल्प करे. और आप इसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ले सकते हो आफ्टर द एक्सरसाइज अगर आपको वेट गेन करना है. और दिन में आप इसको कभी भी कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको वेट गेन करना है. बट अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको जस्ट बिफोर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग जस्ट 1 time इन द डे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो फॉर द वेट लॉस. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑफ द माई फिटनेस पीनट बटर्स नेचुरल एंड चॉकलेट. इन द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर 100% रोस्टेड पीनट्स, प्योर पीनट्स एंड नथिंग एल्स. एलर्जन इन्फो कंटेन्स पीनट्स. एंड इन द चॉकलेट वन इंग्रेडिएंट्स roasted peanuts, dark chocolate, brown sugar, salt, stabilizer. Allergen info contains peanuts and soya. And अब हम चेक करेंगे कि इसमें 100 ग्राम की सर्विंग के ऊपर कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है. एनर्जी 639, एनर्जी इन चॉकलेट 625, नॉट अ बिग डिफरेंस. प्रोटीन 30, प्रोटीन 26 इन चॉकलेट. कार्बोहाइड्रेट्स 18, कार्बोहाइड्रेट्स 19. Just a 1 difference. And dietary fiber 9, dietary fiber 5. जितना dietary fiber ज़्यादा होगा उतना आपको digestion में help करेगा. Sugar 3 and in chocolate sugar 10. और इसमें वो भी brown sugar ही है. And added sugar is 0 and added sugar is 7. Total fats 49 and chocolate वाले में total fats है 50, just 1 का ही difference है. एंड लास्ट में हम आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल जीरो कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम है 19 और चॉकलेट वाले में सोडियम है 350. और अगर हम इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसमें हाई प्रोटीन है 30 एंड 26. ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का इनटेक आपको दे रहा है और जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतना आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा. और अगर आप इसको वेट गेन के लिए कंज्यूम करते हैं प्रोटीन आपको उतना ही मसल मास बिल्डिंग में हेल्प करेगा. चलिए देखते हैं मैं इसको किस तरीके से कंज्यूम करती हूँ. चलो चलते हैं. द टेक्सचर इज सो स्मूथ एंड ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है.
हार्ड पीनट बटर्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और स्मूथ पीनट बटर ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये जो पीनट बटर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं इस पीनट बटर को कैसे यूज करूंगी, मैंने बस एक स्पून पीनट बटर लिया है और इसको मैंने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर बहुत ही इवनली स्प्रेड कर लिया है और उसके ऊपर एक और स्लाइस रख लिया है। आप एक स्लाइस भी ले सकते हैं, दो स्लाइस भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू ओनली। और मैं बेसिकली दो स्लाइसेस लेती हूँ या फिर आप एक स्लाइस लेके उसको फोल्ड करके भी ले सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको बिफोर द एक्सरसाइज मैं इसको कंज्यूम कर लेती हूँ जस्ट लाइक दिस। और आप इसको रोटी के ऊपर भी लगा कर खा सकते हैं। आप इसको क्या करें, रोटी या चपाती के ऊपर इसको इवनली स्प्रेड कर लें और उसको आप एक रोल बना के आप उसको खा सकते हैं। और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, प्लस एट द सेम टाइम ये बहुत ही हेल्दी है। एंड गाइस, इसमें ब्राउन शुगर है इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस शुगर। एंड इंडिया में सिर्फ यही एक ब्रांड है जिसमें ब्राउन शुगर पीनट बटर में डाली जाती है इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस शुगर्स। एंड गाइस, दिस इज ऑल्सो अ वेजिटेरियन ब्रांड। आपको इस सिंबल से पता चल जाएगा दिस इज अ वेज ब्रांड सिंबल। एंड इफ यू आर अ प्योरली वेजिटेरियन जस्ट लाइक मी, देन यू कैन इजीली हैव इट एंड विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन हैव दिस पीनट बटर। एंड दिस इज ऑल्सो FDA अप्रूव्ड। FDA मीन्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज अप्रूव्ड बाय FDA एंड इट इज ऑल्सो ISO सर्टिफाइड। एंड गाइज, यही एक ऐसा ब्रांड है जिसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं कंज्यूम किया जाता, इसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है इन द US एंड इन द यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज इट इज FDA सर्टिफाइड। एंड गाइज, इसका जो प्राइस है दैट इज 649 एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 24 months एंड द क्वान्टिटी इज 1.25 kg, दैट इज 1.25 kilo की पैकिंग है ये दोनों की। और इससे कम भी पैकिंग आती है, 500 something की पैकिंग आती है। मैंने उसको पहले कंज्यूम किया था इन द चॉकलेट फ्लेवर और मुझे वो बहुत ही पसंद आई। उसके बाद ये दोनों मैंने ऑर्डर करके मंगाए हैं। इसको आप माई फिटनेस की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप इसको अमेजोन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। एंड टुडेज़ वीडियो वाज ऑल अबाउट द पीनट बटर्स एंड दीज आर द टू पीनट बटर्स दैट आई हैव शोन इन द वीडियो। दीज आर फ्रॉम द माई फिटनेस ब्रांड। दिस वन इज अ चॉकलेट फ्लेवर्ड एंड दिस वन इज अ नेचुरल फ्लेवर्ड पीनट बटर्स। सो गाइस, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। और मैं इसको यूज करती हूँ वेट लॉस के लिए। So guys, I hope that you like this video, and if you did, then give this video a big thumbs up and share this video with your friends and family. Thank you so much for watching. Till next time. Bye-bye.